अफगानिस्तान का यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है। हाँ जी, स्ट्रेचेबल आइटम है। अच्छा, ये टूटेगा नहीं? नहीं नहीं टूटेगा। अरे नहीं टूटेगा। मलेशियन फाउंटेन है, मलेशियन फाउंटेन है। ये बुद्धा को लीजिए, ये सब वगैरह, ये सब होटल इंडस्ट्री में जाते हैं। ये देखिए ये लाइट्स, ये जो लाइट्स है, ये लाइट्स बहुत माने इन लोग जो हैंडमेड जो वर्क होता है, ये पास से दिखाइए। हाँ। ये हैंडमेड बनाया हुआ है। हाँ, ये अपने हाथ से बनाया हुआ है। दोस्तों, पटना के ज्ञान भवन में लग चुका है इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, और इस इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में सबसे पहले हमारे साथ ऑर्गेनाइजर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर है, इसमें मुझे सुनने में आ रहा है कि 7 कंट्री से जैसा कि सामान लगाया गया है, और जो सामान इंडिया में बहुत ऐसा सामान है कि जो पहला बार आया और वो बिहार में आया है, तो हम चाहेंगे कि सर आप अपने से जानकारी दें कि क्या कुछ है ये। देखिए, पहले तो ये हम बताना चाहते हैं कि आपका माध्यम से हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ये इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर हम लोग जो लाए हैं, ये देश विदेशों से बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हम लोग चुन के लाए हैं। ठीक है, जैसे कि 7 कंट्री, जैसे कि ईरान हो गया, दुबई परफ्यूम हो गया, आप देख सकते हैं इधर, फिर आपका टर्किश प्रोडक्ट है, आपका अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट्स है। ठीक है, जो कि लोकल मार्केट में आपको नहीं मिलते ये सब चीज़, सारे चीज़ आप अफगानिस्तान एक बार दिखा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप एक बार यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का जो है जरिया वो दिखा सकते हैं। हाँ, तो ये सब आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब को हमको वीसा दे करके लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो वीसा दे करके लेके आने का मतलब क्या होता है कि हम लोग अफगानिस्तान में वीसा ऑफिस में एम्बेसी में जानकारी दे रहे कि ग्रैंड ट्रेड फेयर ऐसे हो रहा है पटना बिहार में जी, तो बिहार का नाम और पटना का नाम भी आगे फॉरेन कंट्रीज तक जाता है। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे पहले हम लोग दिखा सकते हैं अफगानिस्तान का यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है। हाँ जी, और यहाँ पे आप लोग एक बार ना थोड़ा सा विजुअल आप दिखा सकते हैं कि जैसे ये सब चीज़ है आपको बिहार में भी मिल जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी है वो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, ये क्वालिटी बहुत बड़ा निर्भर करता है खासकर बिहार के लिए। अच्छा सर, ये चीज़ संभव कैसे हो पाता है, क्योंकि आउट ऑफ अदर कंट्री से आ रहा है, 17 स्टेट से आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो पा रहा है? लगता है कि 10 दिन का ट्रेड फेयर है, एग्जीबिशन है, बट ये 10 दिन का ट्रेड फेयर के पीछे में हम लोग का 6 महीना का काम करना पड़ता है। ये 6 महीने से हम लोग हर एक प्रोडक्ट को चुन चुन के हर एक राज्य जाना पड़ता है, चुन चुन का अच्छा अच्छा प्रोडक्ट डिस्प्ले जो जहाँ जहाँ होता है, हर एक एग्जीबिशन हम लोग विजिट करते हैं, वहाँ से हम लोग ले करके सबसे संपर्क करके ले के आते हैं। ठीक है, और पब्लिक को अच्छा चीज़, अच्छा प्रेजेंटेशन हम लोग उपहार देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी जाके पब्लिक भी उसको लगेगा कि हाँ, तभी जाके आज के देखिए कॉरपोरेट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। आज ब्रादर आया है, ब्रदर ये स्विंग मशीन, दीज आर फ्रॉम जापान। अच्छा, जापान से। हाँ, ऐसे उषा भी आ सकता है, सिंगर भी आ सकता है। ठीक है, एनी कंपनी कैन कम इन दिस ट्रेड फेयर, सबका लिया है। ये ऐसे नहीं है कि मेला और मिक्स एंड मैच है ना जी, सभी आज खाली पटना से आदमी नहीं आ रहा है, ये प्रचार ऑल ओवर बिहार से आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका मुंगेर जिला से आ रहा है आदमी, हमको मिला है कूपन से, हम लोग को जानकारी होता है कि आदमी कहाँ कहाँ से आता है, मुजफ्फरपुर से आता है, आपके दरभंगा से आता है, जो लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सब प्रोडक्ट ठीक है, जो कि यूनिक प्रोडक्ट है, ब्रास आइटम है, तो ये सब प्रोडक्ट लेके भी कोई आदमी डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है। ठीक है, ये लोग बैठा है देने के लिए। ठीक है सर, तो ये तो अपने आप में ही बड़ा यूनिक चीज़ है। हाँ, और ये काफ़ी वजनदार है, आप लोग आइएगा तो एक बार फील ज़रूर करिएगा। और ये अभी कितने तारीख तक एग्जीबिशन है? ये एग्जीबिशन चलेगा 18 तारीख तक चलेगा, 9 से 18 तारीख तक अगस्त महीना में। ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आए, इस मेला में आके आनंद उठाइए, और हर एक प्रोडक्ट जो लोग हम लोग इतना मेहनत से लाए हैं बिहार वासियों के लिए, खासकर पटना वासियों के लिए, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आए, जोर शोर से आए और इस ट्रेड फेयर में प्रोडक्ट देखे, आनंद उठाए और शॉपिंग कीजिए। एक चीज़ बड़ा खास देखा गया है कि इसमें जो भी चीज़ है, हाँ, या तो बहुत ज़्यादा नया ब्रांड भी है और बहुत पॉपुलर हाँ ब्रांड भी, जैसे आप देख सकते हैं। हाँ, ये तो डैमरो फर्नीचर है, डैमरो का फर्नीचर पूरे बिहार में, श्रीलंका बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड टॉप क्लास फर्नीचर प्रोडक्ट। तो आप लोग, ये टॉप क्लास फर्नीचर भी है और आपका हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी है, सबका साथ आप लोग ये फेयर का आनंद उठा सकते हैं। मेन जो कहने का मतलब है, एक ही रूफ के अंडर आपको इतना सारा प्रोडक्ट, 1 लाख से 1.5 लाख के ऊपर यूनिक प्रोडक्ट,
रोटी मेकर से लेकर के टावर फैन से लेकर के पिकनिक टेबल से लेकर के बैग से लेकर के आपको क्या नहीं मिलेगा एक छात्र के नीचे? मतलब एक छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए बिहार में एग्जीबिशन जो है वो चलाया गया है। एकदम एकदम एकदम। और मैं चाहूंगा कि एक बार सामने में भी दिखाएं आप लोग कि कितना चीज है, मतलब अनलिमिटेड वैरायटी है यहाँ पे। जो लोग भी बिहार से हैं, खासकर बिहार में आके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का चीज नहीं है, ये अफगानिस्तान का है, ईरान का है, ऐसा बहुत सारा कंट्री का जो चीज है यहाँ पे लाया गया है। ठीक, तो ये चीज देखने वाला भी होगा, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है। ठीक, यही है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको, इस ट्रेड फेयर को बहुत अच्छा से प्रचार करें। और सुंदरता एक बार दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये लाइट्स, ये जो लाइट्स है, ये लाइट्स बहुत, माने इन लोग जो हैंडमेड जो वर्क होता है, ये पास से दिखाइए। हाँ, ये हैंडमेड बनाया हुआ है। हाँ, ये अपने हाथ से बनाया हुआ है, हैंडमेड से। तो इसके अंदर बाहर ऑर्डर कोड किया हुआ है, वो भी हाथ से होता है। तो आप ये चीज सोच सकते हैं कि ये सब यूनिक चीजें हैं, वो आपको इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में ही देखने को मिलेगा। तो आना तो बनता है बिल्कुल। तो और शायद आपको भी ये चीज बता दे, खाली ट्रेड फेयर में ये सब हैंडमेड प्रोडक्ट, साथ साथ ये सब आपके ब्रांडेड आइटम, स्टार्टिंग फ्रॉम हॉकिंस। ये हॉकिंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। हॉकिंस भी है, कॉर्पोरेट कंपनी, उधर डैमरो भी था, हॉकिंस भी है, उधर पेप्स भी है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि ट्रेड फेयर को हम लोग और भी सफल नमंडित करके तुले हैं, और इसी का माध्यम हम लोग चाहते हैं कि ये जो ट्रेड फेयर हो रहा है, पाटना वासियों के लिए हम लाए हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे कि मलेशियन फाउंटेन है, मलेशियन फाउंटेन है, ये बुद्धा को लीजिए, ये सब वगैरह, ये सब होटल इंडस्ट्री में जाता है ज़्यादातर। मान के चले बड़ा लॉन है, होटल में बैठा दिया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री में भी आप लोग इसको प्रमोट करें, और वो लोग भी आए होटल इंडस्ट्री से, ले ये सब अच्छा अच्छा सामान परचेसिंग करके जाए। बाकी वैरायटी का कमी नहीं है। जो लोग बिहार से है, स्पेशली जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार आइए, और बाकी यहाँ पे लोग भी मिल जाएंगे, और ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, इस चीज़ को भी सोचना है अभी, ठीक है जी। और ये देखिए, वन ऑफ द यूनिक आइटम, जो कि ये सब पॉट्स वगैरह है, ठीक है, ये सब इतना खासियत है, ये अनब्रेकेबल आइटम है। अच्छा, ये टूटेगा नहीं? नहीं नहीं टूटेगा। अरे बाप रे बाप। ये राजस्थान मार्बल से है, राजस्थानी प्रोडक्ट है, ठीक है, टोटली प्योर मार्बल के, वन पीस सिंगल स्टोन में बना हुआ रहता है। अच्छा। ये जैसे कि लायन पेयर है, आप देख सकते हैं, ये सिंगल स्टोन का है, ठीक है, इसमें कोई डबल स्टोन नहीं है, ये एक ही सिंगल स्टोन में ये लाइन को बनाया गया है, इसका कारीगरी को समझिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे कि सर का कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा स्टोन था, और उसी स्टोन को काट काट के हैंड अपने हाथों से बनाया गया है, कारीगर काट काट के हाथ से बनाया गया है। बिल्कुल। तो बड़ा यूनिक चीज तो है सर।